अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद अहमद नज़ीर। और जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि जो भी एजुकेशनल न्यूज़ आएगी, जो अथेंटिक होगी, वो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो एजुकेशनल न्यूज़ आएगी। तो अभी फ़िलहाल जो एजुकेशनल न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चार मेजर पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। तो इस पूरी वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर देखना है, ताकि एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये जो न्यूज़ थी वो बिल्कुल अथेंटिक थी, जो पॉइंट्स थे वो बिल्कुल न्यू थे, और ये आप लोगों को पता ज़रूर होना चाहिए। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि FSC प्री इंजीनियरिंग या ICS के स्टूडेंट्स हैं, ये अनाउंसमेंट स्पेशली उन लोगों के लिए जो FSC कर रहे हैं। एक्चुअली UET ने अपने एंट्री टेस्ट 2020 का ऐलान फाइनली कर दिया है कि किस डेट को अब एंट्री टेस्ट होगा। लेकिन इस दफ़ा जो आपका एंट्री टेस्ट है वो आपके बोर्ड के पेपर से पहले हो रहा है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो आप नोट डाउन कर लें कि आपके जो पेपर्स हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स हैं, उनसे पहले आपका एंट्री टेस्ट का पेपर हो रहा है। और इसकी जो डेट फाइनलाइज्ड की गई हैं वो 13 और 14 जून है, 13 एंड 14 जून 2020 को आप लोगों का एंट्री टेस्ट का जो पेपर है वो लिया जाएगा। अब बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार पेपर तो सिर्फ एक दिन होता था एंट्री टेस्ट का, अब ये क्या नई चीज़ आ चुकी है कि 13 और 14 को होगा, अब दो दिन में एंट्री टेस्ट का पेपर होगा। 50% स्टूडेंट का जो पेपर है वो 13 जून को होगा और 50% का जो पेपर है वो 14 जून को होगा। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस दफ़ा आप लोगों के जो एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आप घर में बैठ के इसका ऑनलाइन पेपर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जितने कैंपसेस हैं वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स बनेंगे, और उन कैंपसेस में आप लोगों के ऑनलाइन पेपर्स लिए जाएंगे ECAT के। इन कैंपसेस में आप लोगों के ऑनलाइन पेपर्स लिए जाएंगे। मैं दोबारा से इस पॉइंट को रिपीट करना चाहता हूं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जितने कैंपसेस हैं, इन कैंपसेस में आपके दोबारा से ऑनलाइन पेपर आपके दोबारा जो पेपर लिए जाएंगे वो ऑनलाइन पेपर्स लिए जाएंगे। इसके अलावा थर्ड जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि इससे पहले रीचेकिंग का एक स्केड्यूल होता था, इस दफ़ा आप लोगों का जैसे ही आप टेस्ट दोगे आपका रिजल्ट अपलोड होगा, किसी किस्म की कोई रीचेकिंग नहीं होगी, नो रीचेकिंग। आप ड्यूरिंग द ऑनलाइन पेपर्स, आपके ऑनलाइन पेपर्स में किसी किस्म की रीचेकिंग का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसके अलावा क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम ये जो ऑनलाइन पेपर्स किए जा रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों के मॉक टेस्ट होंगे, मतलब एक सैम्पलिंग के लिए आप लोगों के टेस्ट होंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि 14 और 15 जून को जब अपने ECAT के टेस्ट के लिए बैठना है तो टेस्ट कैसे आएगा, सैम्पल कैसे होगा, टेस्ट आपने सबमिट कैसे करवाना होगा और इसका रिजल्ट कैसे अपलोड होगा। तो उसकी जो डेट है वो 6 और 7 जून 2020 है। मैं इस चीज़ को तीन चारों पॉइंट्स को सिर्फ दोबारा से बताना चाहता हूँ। वेरी फर्स्ट कि आप लोगों की जो एंट्री टेस्ट की डेट है वो पेपर से पहले आ गई है 13 और 14 जून 13 और 14 जून 2020 को। सेकंड जो मेन पॉइंट है मेरा बेटा वो ये है कि आपके पास इस दफ़ा ऑनलाइन पेपर्स होंगे, वो ऑनलाइन पेपर्स के लिए आपको लॉगिन होना होगा, वो लॉगिन होने के लिए आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट जो कैंपस होंगे वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे, वहाँ पे आप लोगों का जैसे आप टेस्ट दोगे रिजल्ट भी आप लोगों के सामने आ जाएगा, और इस दफ़ा किसी किस्म की रीचेकिंग नहीं होगी। एंड फाइनली आप लोगों का जो मॉक टेस्ट होगा जिसमें एक सैम्पलिंग टेस्ट होंगे कि आपने ये पेपर कैसे देना है, वो 6 और 7 जून को होगा। होपफुली आप लोगों को ये न्यूज़ भी बिल्कुल अथेंटिक भी लगेगी, आप ऑफिशियल वेबसाइट YouTube पे भी जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आती हैं और आती ही होंगी इंशाल्लाह, तो आपने मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इसको दूसरों के साथ भी शेयर करना है, और अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।